नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके एरुटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के अंतर के बारे में कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने जेके एरुटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए ग्रीन बटन पर क्लिक करके जेके एरुटेक को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जेके एरुटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने का कार्य करते हैं, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वे भौतिक मात्राओं को नापने में के कार्य में यूज किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर गणितीय एवं तार्किक समस्याओं को हल करने का कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर यानी इनका प्रयोग मुख्यतः विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है, यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसका मुख्य प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। इसके विपरीत डिजिटल कंप्यूटर, इनका प्रयोग जीवन के लगभग हर क्षेत्र में होता है। ठीक है। तीसरा दोस्तों, इन्हें किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो किसी स्पेशल पर्पज़ के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, मतलब किसी विशेष कार्य को करने के उद्देश्य से ही उनको डिजाइन किया गया है। जबकि डिजिटल कंप्यूटर, इन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर से लगभग सारे कार्य हो सकते हैं, एक कंटिन्यूस वैल्यू के साथ कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं कंटिन्यूस वैल्यू के साथ कार्य करते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर ये डिस्क्रिप्टिव वैल्यू के साथ कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी बहुत सीमित होती है, जबकि इसमें मेमोरी अधिक क्षमता वाली होती है। किसमें? डिजिटल कंप्यूटर में। यानी मेमोरी की तुलना अगर की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर में थोड़ा सीमित होती है, और इसके विपरीत डिजिटल कंप्यूटर में मेमोरी की क्षमता जो है अधिक होती है। इसके परिणामों की शुद्धता कम होती है एनालॉग कंप्यूटर की, और डिजिटल में देखते हैं इसके परिणामों की शुद्धता बहुत अधिक होती है। यानी कि जो इसकी इफिशियंसी होती है, शुद्धता होती है एनालॉग कंप्यूटर में, वो कम होती है और डिजिटल कंप्यूटर में अधिक होती है। अब उदाहरण देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, एनालॉग क्लॉक जो है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जबकि इसके विपरीत डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, कैलकुलेटर। डिजिटल क्लॉक जो है डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल एवं नॉलेजफुल जानकारी जो है आपको और आपके दोस्तों को मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।